दोस्तों वेलकम टू विपुल इंग्लिश क्लासेस। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे रिलेटिव प्रोनाउंस। रिलेटिव प्रोनाउंस समय आपका बिल्कुल बर्बाद नहीं करेंगे। जी हाँ गुरुजी, पढ़ना स्टार्ट करिए। बिल्कुल स्टार्ट करेंगे। देखिए स्टार्टिंग से रिलेटिव प्रोनाउन, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर्स इन इंग्लिश ग्रामर। रिलेटिव प्रोनाउंस हिंदी में इसको बोला जाता है संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम संबंध का वाच कराने वाला प्रोनाउन होता है। रिलेटिव प्रोनाउन का यदि हम डेफिनेशन देखते हैं, क्या डेफिनेशन होता है रिलेटिव प्रोनाउन? और रिलेटिव प्रोनाउन और रिलेटिव प्रोनाउन इज यूज्ड टू जॉइन वन फ्रेज और क्लॉज टू अनदर फ्रेज और क्लॉज। अ रिलेटिव प्रोनाउन इज यूज्ड to join one phrase or clause to another phrase or clause। यानी एक relative pronoun वह pronoun होता है जो एक phrase को या एक clause को किसी दूसरी phrase या किसी दूसरी clause से जोड़ता है। phrase क्या होता है? phrase का मतलब होता है वाक्यांश। वाक्यांश बात करेंगे क्लोज की। क्लोज का क्या मतलब होता है? क्लोज का मतलब होता है उपवाक्य। क्लोज का मतलब होता है उपवाक्य। फ्रेज क्या होता है गुरुजी? फ्रेज होता है वाक्यांश, यानी वाक्य का एक अंश होता है। वाक्य का एक छोटा अंश फ्रेज कहलाता है, वाक्यांश कहलाता है हिंदी में। और क्लोज का मतलब होता है उपवाक्य, यानी कभी कभी ऐसा हो जाता है कि छोटे छोटे सेंटेंसेस से मिलकर के एक बड़ा सेंटेंसेस बनता है और वो छोटे छोटे वाक्य जो हैं वो क्लोज कहलाते हैं। तो यहाँ पर हम डेफिनेशन को समझते हैं। अ रिलेटिव प्रोनाउन इज यूज टू जॉइन वन फ्रेज और क्लोज टू अनदर फ्रेज और क्लोज। एक रिलेटिव प्रोनाउन वह प्रोनाउन होता है जो किसी फ्रेज को या किसी क्लोज को किसी दूसरी फ्रेज या क्लोज से जोड़ता है। यानी एक ऐसा रिलेटिव प्रोनाउन जो वाक्यांश को दूसरे वाक्यांश से जोड़ता है या किसी एक उपवाक्य को दूसरे उपवाक्य से जोड़ता है। ये हमने जाना डेफिनेशन होता है। तो सम ऑफ द रिलेटिव प्रोनाउंस आर, हमारे पास कुछ रिलेटिव प्रोनाउंस होते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन हु, होम, हुज, विच, दैट। ये कुछ इंपॉर्टेंट रिलेटिव प्रोनाउंस हैं हमारे पास। हु, होम, हुज, विच, दैट। तो हमें यहाँ पर पढ़ना है कि किस तरह से रिलेटिव प्रोनाउंस का कैसे यूज होता है। हु से अनदर हमारा हु का यूज हम जानते हैं जनरली सब्जेक्टिव केस में। हु का यूज सब्जेक्टिव केस में किया जाता है। होम का यूज किया जाता है ऑब्जेक्टिव केस में। हुज का यूज किया जाता है पॉजिटिव केस में। हु इज यूज्ड इन सब्जेक्टिव केस, होम इज यूज्ड इन ऑब्जेक्टिव केस, हुज इज यूज्ड इन पॉजिटिव केस। सब्जेक्ट को रिलेट करता है हु, ऑब्जेक्ट को रिलेट करता है होम, पोजिशन को रिलेट करता है हुज। और यदि हम बात करते हैं विच और दैट की, विच रिलेट करता है नॉन लिविंग थिंग्स, थिंग्स एंड एनिमल्स, थिंग्स एंड एनिमल्स को रिलेट करता है विच। और दैट रिलेट करता है थिंग्स, एनिमल्स एंड पर्सन्स। ये तीनों को रिलेट करता है।
अब बात करेंगे एवर, इससे हु से हु एवर भी बनता है, हुम से हुम एवर भी बनता है, या इसी को ही हुम सो एवर भी कहा जाता है, विच से विच एवर भी बनता है। ये भी हमारा रिलेटिव प्रोनाउन की कैटेगरी में ही आता है। तो ये आपने इम्पोर्टेंट रिलेटिव प्रोनाउंस देखें, हु, होम, हुज, विस, दैट, हु एवर, हुम एवर और हुम सो एवर, विच एवर। अब इम्पोर्टेंट है स्टूडेंट्स के लिए कि कहाँ पर कौन सा यूज़ होता है, किस तरह से किस रिलेटिव प्रोनाउन का कैसे यूज होता है। मैंने आपको सिंपली बताया है, हु सब्जेक्टिव केस में यूज होता है, होम ऑब्जेक्टिव केस में, हुज पजेसिव केस में। चलिए बात करते हैं। अभी देखिए सबसे पहले डिफरेंस आप समझेंगे। बड़े कंफ्यूज रहते हैं हमारे स्टूडेंट्स कि कहां पर किस तरह से यूज होता है। सबसे पहले आज हम आपको क्लियर करेंगे, देखिए हु, रिलेटिव प्रोनाउन हु, हु मैंने बताया कि सब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव केस में यूज किया जाता है, सब्जेक्टिव केस के लिए यूज किया जाता है, अर्थात ये सब्जेक्ट को रिलेट करता है। जस्ट फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं, मैंने कहा द बॉय हु इज वेयरिंग रेड शर्ट इज माय ब्रदर। यहां पर देखिएगा एग्जांपल, बड़े आसानी से बड़े आराम से देखिएगा, द बॉय हु इज वेयरिंग रेड शर्ट, लड़का जो लाल शर्ट पहन रहा है, इज माई ब्रदर, मेरा भाई है। तो यहां पर देखिए हु का अर्थ होता है जो या जो की, जो या जो की। तो इसने किसको रिलेट किया है, द बॉय हु, ये हु किसको रिलेट कर रहा है, जो किसके लिए इंडिकेट हो रहा है, सब्जेक्ट के लिए इंडिकेट हो रहा है, द बॉय इज सब्जेक्ट हियर। तो यहां पर मैंने बताया कि ये सब्जेक्टिव केस के लिए रिलेट करता है। तो यहां पर देखिए द बॉय हु इज वेयरिंग रेड शर्ट इज माई ब्रदर, एक वह लड़का जो रेड शर्ट पहन रहा है, लाल कमीज पहन रहा है, मेरा भाई है। तो यहाँ पर रिलेट किया है, उन्हें रिलेट किया है, सब्जेक्ट को रिलेट किया है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे होम, होम की बात करेंगे। होम की बात मैंने आपको बताया था, होम का प्रयोग ऑब्जेक्टिव केस के लिए किया जाता है, अर्थात होम रिलेट करता है ऑब्जेक्टिव केस। जस्ट फॉर एग्जांपल आप देखिए, द बॉय होम यू मैट, द बॉय होम यू मैट इज माई फ्रेंड, द बॉय होम यू मैट इज माई फ्रेंड। देखिए यहां पर होम ये रिलेटिव प्रोनाउन है, इस रिलेटिव प्रोनाउन ने किसको रिलेट किया है, द बॉय होम, वह लड़का जिसे तुम मिले थे, मेरा फ्रेंड है, मेरा मित्र है। तो इसने रिलेट किया है, ऑब्जेक्ट को रिलेट किया है, यानी जिससे तुम मिले थे, होम मतलब जिसे तुम मिले थे या जिससे तुम मिले थे, वह लड़का जिससे तुम मिले थे मेरा फ्रेंड है। तो यहां पर रिलेट किया है, यू हमारा ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट को रिलेट करता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, हुज रिलेटिव प्रोनाउन की बात करते हैं। होम रिलेटिव प्रोनाउन
पॉजेसिव केस में यूज किया जाता है। पॉजेसिव केस मैंने कहा द बॉय हुज शर्ट इज रेड, द बॉय हुज शर्ट इज रेड इज माय क्लासमेट। यहां देखिएगा, द बॉय हुज शर्ट इज रेड इज माय क्लासमेट, कि वह लड़का जिसकी कमीज लाल है मेरा क्लासमेट है। तो इस देखिए यहां पर हुज पोजीशन बताता है, पोजीशन शो करता है, और पोजीशन शो करता है यानी अधिकार प्रकट करता है। अधिकार किस पर? शर्ट पर, यानी शर्ट के बारे में बताता है, द बॉय हुज शर्ट इज रेड। ठीक है, तो यहां पर ये देखिएगा आप, हु सब्जेक्ट को रिलेट कर रहा है, हु सब्जेक्ट को रिलेट कर रहा है, होम ऑब्जेक्ट को रिलेट कर रहा है, हुज पोजिशन शो कर रहा है। तो यही मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में, हु होम हुज। इसी प्रकार से हम बात करते हैं हु एवर, होम सो एवर, विच या विच एवर। चलिए होम ये आपने देख लिया है, नेक्स्ट हम बात करते हैं हु एवर। देखिएगा, हम बात करते हैं हु एवर मतलब जो कोई भी हु एवर, जो कोई भी। इसी प्रकार से हु एवर, हुम सो एवर, जिस किसी को भी, विच एवर जो कोई भी। ये भी हमारा रिलेटिव प्रोनाउन के अंदर ही आता है हु एवर, ये भी हमारा सब्जेक्टिव केस के लिए यूज किया जाता है। होम सो एवर हमारा ऑब्जेक्टिव केस के लिए यूज किया जाता है, विच एवर ये हमारा सब्जेक्टिव केस के लिए यूज किया जाता है। हु एवर सब्जेक्टिव केस में यूज किया जाता है, यानी सब्जेक्ट को रिलेट करता है। होम सो एवर ऑब्जेक्टिव केस के लिए यूज किया जाता है, यानी ऑब्जेक्टिव केस को रिलेट करता है। विच एवर सब्जेक्टिव केस के लिए यूज किया जाता है, यानी ये सब्जेक्ट को रिलेट करता है। एग्जाम्पल से हम देख सकते हैं, हु एवर वर्क्स हार्ड, Whoever works hard gets success. Whoever works hard gets success. जो कोई भी कठिन परिश्रम करता है सफलता प्राप्त करता है। Whomsoever. Whomsoever you like, जिस किसी को भी तुम पसंद करते हो, whomsoever you like can marry. Whomsoever you like, जिस किसी को भी तुम पसंद करते हो, can marry with her. ये हम बात करेंगे,
यहाँ पर whoever सब्जेक्ट को रिलेट करता है, whomsoever ऑब्जेक्ट को रिलेट करता है, whichever की बात करते हैं, whichever जो कुछ, whichever you want, whichever you want to take, जो कुछ भी आप लेना चाहते हैं, whichever you want to take, जो कुछ भी आप लेना चाहते हैं। तो ये whichever जो है यहाँ पर यूज़ किया गया है सब्जेक्टिव केस के लिए, यहाँ पर सब्जेक्टिव केस के लिए whichever का यूज़ किया गया है। बात करते हैं आगे, देखिए बिल्कुल क्लियर, आपका डाउट मैं क्लियर कर देता हूँ। स्टूडेंट लगातार कन्फ्यूजन में रहते हैं हु और विच का डिफरेंस। देखिए हु भी जो या जो की होता है, हु का मतलब जो या जो की होता है, और विच का मतलब भी जो या जो की होता है, और दैट का मतलब भी जो या जो कि होता है। तो बड़े हमारे स्टूडेंट कन्फ्यूजन में रहते हैं कि कौन रिलेटिव प्रोनाउन कहाँ पर यूज़ किया जाता है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि ये हु विच दैट कहाँ पर यूज़ किए जाते हैं। हु का यूज़ जो किया जाता है वो पर्सन के लिए किया जाता है, किसी व्यक्ति के लिए किया जाता है। विच का प्रयोग किया जाता है थिंग, वस्तु के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, थिंग एंड एनिमल यानी वस्तु के लिए और पशु के लिए। ये हमारा व्यक्ति के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और ये किसी वस्तु या किसी पशु के लिए इस्तेमाल किया जाता है। दैट का इस्तेमाल पर्सन के लिए भी किया जाता है, थिंग के लिए भी किया जाता है, एनिमल के लिए भी किया जाता है। इसका प्रयोग तीनों में किया जा सकता है। जस्ट फॉर एग्जाम्पल आप देखेंगे, व्यक्ति के लिए मैंने कहा कि अ मैन हु वॉज ब्लाइंड, अ मैन हु वॉज ब्लाइंड, एक आदमी जो अंधा था, फेल डाउन, नीचे गिर गया। तो यहाँ पर देखिए हु का यूज़ किया गया है जो या जो की के लिए, ये किसी पर्सन के लिए इस्तेमाल किया गया है, ये यहाँ पर यूज़ किया गया है, ये पर्सन के लिए यूज़ किया गया है। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ विच, मैंने कहा विच किसी वस्तु के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, ये आई हैव अ पेन, मेरे पास एक पेन है, which is red, which is red in color, जो लाल रंग का है। I have a pen which is red in color, मेरे पास एक पेन है जो लाल रंग का है। तो यहाँ पर देखिएगा which जो relative pronoun है, जो या जो की के लिए, ये वस्तु के लिए इस्तेमाल किया गया है, यानी ये किसी थिंग के लिए इस्तेमाल किया गया है, पेन के लिए इस्तेमाल किया गया है। तो पेन हमारे पास थिंग है। नेक्स्ट बात करते हैं दैट की, दैट का यूज तीनों के लिए होगा, पर्सन के लिए भी दैट का यूज होगा, थिंग के लिए भी दैट का यूज होगा, एनिमल के लिए भी दैट का यूज होगा। जैसे आप देख सकते हैं कि अ बॉय दैट इज माई फ्रेंड, a boy that is my friend comes to me, एक लड़का जो मेरा मित्र है मेरे पास आता है। तो यहाँ पर देखिएगा दैट का यूज़ यहाँ पर
एक पर्सन के लिए किया गया है, यहाँ पर पर्सन के लिए किया गया है यूज। अब मैं बात करता हूँ थिंग के लिए, थिंग के लिए भी दैट का यूज किया जाएगा। आई हैव अ पेन दैट इज वेरी ओल्ड। आई हैव अ पेन दैट इज वेरी ओल्ड, मेरे पास एक पेन है जो बहुत पुराना है। तो यहाँ पर दैट रिलेटिव प्रोनाउन का यूज किया गया है, ये पेन के लिए किया गया है, यानी ये एक वस्तु के लिए यानी एक थिंग के लिए इस्तेमाल किया गया है। मैं बात करता हूँ एनिमल की, तो एनिमल के लिए भी दैट का प्रयोग किया जाता है, स्पेशली विच का प्रयोग भी किया जाता है एनिमल के लिए। जस्ट फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कि आई हैव अ डॉग, मेरे पास एक कुत्ता है विच इज़ ब्लैक इन कलर। तो आई हैव अ डॉग विच इज़ ब्लैक इन कलर। तो यहाँ पर विच रिलेटिव प्रोनाउन एक एनिमल के लिए किया गया है, डॉग के लिए किया गया है। बात करते हैं यहाँ पर दैट की, तो दैट का यूज़ भी एनिमल के लिए किया जा सकता है। मैंने कहा आई हैव अ पैरट, आई हैव अ पैरट दैट टॉक्स, मेरे पास एक तोता है जो बोलता है, जो बात करता है। तो यहाँ पर दैट रिलेटिव प्रोनाउन इज यूज फॉर बर्ड। जस्ट एनिमल एंड बर्ड्स, यहाँ पर भी सेम होगा, एनिमल एंड बर्ड्स यानी पशु और पक्षी दोनों कैटेगरी के लिए विच और दैट का यूज किया जाता है। तो इस प्रकार से माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी जान चुके होंगे हु विच दैट कि क्या डिफरेंस होता है। हु का यूज किया जाता है केवल व्यक्ति के लिए, विच का प्रयोग किया जाता है वस्तु के लिए, एनिमल के लिए एंड बर्ड्स के लिए, और दैट का प्रयोग तीनों में किया जाता है, पर्सन, थिंग, एनिमल एंड बर्ड्स। तो माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज द लेसन फॉर टुडे, दैट्स एनफ। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।